तृतीय वर्ष कला भूगोल विषय के छात्रों का इस YouTube चैनल में मैं डॉक्टर आलोक जैन पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम प्रादेशीकरण का अध्ययन करेंगे। हम इसमें प्रदेश का अर्थ और उसके विभाजन के आधार को समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही प्रादेशिक पदानुक्रम अर्थात प्रदेशों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रदेश का अर्थ और उसकी परिभाषा समझते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। प्रदेश क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। प्रदेश को आप सिंपल अर्थ में ये समझिए कि धरातल का एक ऐसा क्षेत्र जो लगभग सभी लक्षणों में समानता रखे और अपने निकट के अन्य प्रदेशों से भिन्नता रखे, उसे हम प्रदेश कह सकते हैं। धरातल का एक ऐसा क्षेत्र जो अपने विशेष अभिलक्षणों के कारण अपने निकट के अन्य इकाई क्षेत्रों से भिन्न होता है, प्रदेश कहलाता है। ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें भौगोलिक तत्वों की समरूपता होती है और जो अपने पास के अन्य प्रदेशों से भिन्नता रखता है, प्रदेश कहलाता है। आगे बात समझ में। नंबर टू, प्राकृतिक और भौगोलिक प्रदेश, ये क्या है? ऐसा क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक लक्षणों में समानता हो और अपने निकट के दूसरे प्रदेश से इन्हीं लक्षणों में भिन्नता रखता हो, वह प्राकृतिक प्रदेश है। अर्थात ऐसे क्षेत्र जिनमें प्राकृतिक दशा, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि में समानता हो, उन्हें हम प्राकृतिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। कृषि उपज, जीव जंतु, आर्थिक विकास, रहन सहन आदि में यहाँ समानता पाई जाती है। यह धरातल का ऐसा इकाई क्षेत्र है जिसमें एक समान ऐसी प्राकृतिक विशेषताएं उपस्थित हों जो उसे अन्य क्षेत्रों से भिन्न करती हों, वह प्राकृतिक प्रदेश कहलाता है। भौगोलिक प्रदेश ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के लक्षणों की समानता होती है। प्राकृतिक प्रदेशों में केवल प्राकृतिक लक्षण, जबकि भौगोलिक प्रदेश में प्रकृति के साथ साथ मानवीय लक्षण अर्थात सांस्कृतिक लक्षण भी समान होते हैं। इसी भौतिक समानता के प्रदेश में आर्थिक व्यवसाय की एक रूपता होती है और इनकी सीमाएँ प्रशासनिक प्रदेशों से भिन्न होते हैं। अर्थात प्रशासनिक स्तर पर जो क्षेत्र होते हैं, जैसे राज्य, तहसील, जिला, इनकी तरह इनका सीमांकन नहीं होता है। किस तरह से प्रदेशों का विभाजन किया जाए, प्रदेशों का सीमांकन किस तरह से हो, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगला आपका टॉपिक है प्रादेशिक विभाजन का आधार। ये एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि प्रादेशिक विभाजन किस आधार पर किया जाता है, प्रमुख लक्षण बताइए। किसी क्षेत्र का प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के आपसी अंतर संबंधों के आधार पर प्रदेशों में विभाजन भौगोलिक अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण है। भारत जैसा विशाल देश जहाँ प्राकृतिक दशा, संरचना अर्थात चट्टानी स्वरूप, मिट्टियाँ, वनस्पति, खनिज आदि संसाधनों में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्नता होती है, अर्थात उनमें प्राकृतिक या प्रादेशिक विविधताएं दिखाई देती हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण मानव की क्रियाओं और उनके वितरण प्रतिरूप में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। अनेक विद्वान मानते हैं कि प्रदेशों के मुख्य विभाजन में भूगर्भिक संरचना को और गौण प्रदेशों हेतु जलवायु, वनस्पति और मानवीय दशाओं को आधार बनाना चाहिए। इस प्रकार प्रदेश के विभाजन के लिए जो मुख्य आधार हैं वो निम्नलिखित हैं। किन आधारों पर प्रदेशों का विभाजन किया जाए, हम उसकी बात कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश के प्रादेशिक विभाजन में वहाँ के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आदि को भी ध्यान में रखा जाता है और उस प्रदेश के लिए निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। अर्थात कौन सा क्षेत्र, प्रदेश है, उसके लिए क्या विशेषताएं हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। पहली विशेषता उसमें ये होनी चाहिए कि
वह देश के निर्धारण हेतु अर्थात प्रदेश के निर्धारण हेतु प्रशासनिक इकाइयों जैसे देश राज्य जिला या विकास खंड तहसील खंड में विभक्त होना आवश्यक है। अर्थात कोई भी देश उसके लिए प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ होना चाहिए। नंबर टू, मूलभूत प्रदेशों में सामाजिक एकता होनी चाहिए। जो भी प्रदेश है वो सामाजिक रूप से अलग थलग नहीं होना चाहिए। पर्याप्त परिवहन और संचार सुविधाएं होना चाहिए ताकि वहाँ संसाधनों को उपयोग करके उद्योगों का और आर्थिक विकास किया जाए। प्रदेश में पर्याप्त संसाधन हो जिससे वहाँ उत्पादन और रोजगार की प्राप्ति हो सके। और अंतिम में प्रदेश का आकार इतना बड़ा या पर्याप्त हो कि वहाँ विविध संसाधन और विकास की संभावनाएं उपस्थित। तो ये मुख्य पांच विशेषताएं हैं जिस आधार पर किसी भौगोलिक क्षेत्र को हम प्रदेश का नाम दे सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं मूलभूत प्रदेशों का पदानुक्रम, हायरार्की सिस्टम। मूलभूत प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक साधन आदि के आधार पर प्रदेशों को बांटा जाता है। विकास योजनाओं को क्यों प्रदेशों को बांटा जाता है? हम किसी क्षेत्र का यदि विकास करना चाहते हैं तो हम पहले ये करेंगे कि जहाँ एक जैसी समानताएं हों, एक जैसे लक्षण हों, उसको हम एक प्रदेश मान करके उसके हेतु योजना बनाएंगे। अगर हम बड़े विस्तृत क्षेत्र की योजना तैयार कर लेते हैं लेकिन वहाँ की जो भौगोलिक लक्षण है वो उससे मेल नहीं खाते हैं तो आपकी योजना सफल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु इन प्रदेशों का विभाजन जरूरी है। एक वृहद प्रदेश में कई मध्यम प्रदेश शामिल होते हैं। वृहद प्रदेशों की जो विशेषताएं हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे प्रदेशों के बारे में, तो उसमें आप एक चीज़ और ये बता सकते हैं, इनका पदानुक्रम हम जब देखते हैं तो मूलभूत प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक साधन के आधार पर पहले तो विभाजन और उसके बाद विकास योजनाओं की क्रियान्वयन और संचालन विभिन्न स्तर और संगठनों द्वारा होता है। इसीलिए प्रदेशों को निम्न तीन भागों में बांटा जाता है। तो मेन उद्देश्य क्या हो गया? जो भी विकास योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना। अब इसी सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु हमने तीन भागों में इन प्रदेशों को बांटा है। नंबर वन, मैक्रो रीजन, वृहद प्रदेश। मैक्रो रीजन क्या होते हैं? ये उच्च स्तरीय प्रदेश होते हैं। इनका विस्तार एक से अधिक राज्यों में हो सकता है, अर्थात इनमें एक से अधिक राज्यों के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। एक वृहद प्रदेश में कई क्या हो सकता है? एक वृहद प्रदेश में कई मध्यम प्रदेश शामिल होते हैं और वृहद प्रदेशों की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है? वहाँ पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संसाधन होते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी विकास योजनाएं या बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे नदी घाटी परियोजनाएं, परिवहन साधनों का विकास, विकसित परिवहन जाल आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वृहद प्रदेशों में सम्मिलित मध्यम और लघु प्रदेशों के मध्य आर्थिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलती हैं। इनका आपस में संबंध होता है। किस तरह का संबंध? आर्थिक संबंध, आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित संबंध। एक वृहद प्रदेश में विकास के अनेक केंद्र होते हैं। इस प्रकार यह किसी देश का एक विस्तृत क्षेत्र होता है जहां पर्याप्त संसाधन होते हैं और औद्योगिक केंद्रों का विस्तार मिलता है। ये प्रदेश आंतरिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं, जहाँ अनेक आर्थिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है और अनेक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, और ये सुविधाएं इनसे छोटे स्तर के प्रदेशों को हस्तांतरित भी की जाती हैं। तो इस प्रकार हमने पहला पॉइंट देखा, मैक्रो या वृहद प्रदेश। अब हम बात करते हैं मध्यम प्रदेश की, इसे हम मेसो रीजन के नाम से जानते हैं। मेसो रीजन या मध्यम प्रदेश क्या होता है? इनका निर्धारण कई लघु स्तरीय प्रदेशों को मिलाकर होता है। ये वृहद प्रदेशों के उपविभाग हैं और नियोजन की
द्वितीय आर्थिक इकाई। नियोजन की प्रथम आर्थिक इकाई कौन सी हो गई? वृहद। द्वितीय मेसो प्रदेश। प्रति व्यक्ति आय, भूमि, वस्तु निर्माण आदि से इसका महत्व स्पष्ट होता है। यहाँ कुछ वस्तुओं के उत्पादन की विशिष्टता पाई जाती है। ये द्वितीय श्रेणी के प्रदेश हैं जिसमें एक या एक से अधिक राज्यों के कुछ जिले सम्मिलित होते हैं। जैसे हमने उसमें देखा था फर्स्ट वाले में, वृहत में, कि एक या एक से अधिक राज्यों के भूभाग सम्मिलित होते हैं। इसमें उन राज्यों के कुछ जिलों के भाग इनमें सम्मिलित होते हैं। इनकी क्या विशेषताएं हैं? किसी एक भौगोलिक लक्षण की विशिष्टता रखते हैं। यहाँ उत्पादन का विशेषीकरण पाया जाता है। संसाधनों का दोहन भी ये खुद करते हैं और उत्पादन करके उपयोग भी इन्हीं प्रदेशों के द्वारा किया जाता है। और एक विशेषता आप ये बताएंगे, इन प्रदेशों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो ये हो गया आपका मध्यम प्रदेश। अब तीसरा भाग है माइक्रो रीजन, लघु स्तरीय प्रदेश। तो लघु स्तरीय प्रदेश नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यह सबसे छोटा या निम्न स्तरीय प्रदेश है और इसका विस्तार कुछ तहसील या विकास खंडों तक होता है। ये ऐसे प्रदेश हैं जो मध्यम प्रदेशों के उपविभाग हैं, जहां विशेष आवश्यकताएं मध्यम प्रदेशों के द्वारा पूर्ण की जाती हैं। ये निचले स्तर के क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, अतः इन्हें सर्वाधिक विकास की आवश्यकता होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, सर्वाधिक विकास की आवश्यकता वाले प्रदेश कौन से हैं? लघु स्तरीय प्रदेश, माइक्रो रीजन। इनकी जो विशेषताएं हैं, इनका विस्तार क्षेत्र छोटा होता है, इनमें एक या अधिक बड़े गांव होते हैं जो विकास केंद्र या सेवा केंद्र का कार्य करते हैं, और इन प्रदेशों के लोगों का जीवन और आजीविका साधन समान होते हैं। तो ये हमने मध्यम, लघु और वृहद प्रदेशों के बारे में पढ़ा। अब हम ये देखेंगे कि जो भारत के भौगोलिक प्रदेश हैं उनमें वृहद प्रदेश कौन कौन से हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। वृहद प्रदेशों के बारे में जानने से पहले एक बात हम और कर लेते हैं। डॉक्टर आर एल सिंह, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, भारत एक प्रादेशिक भूगोल। इन्होंने बताया कि देश की भूगर्भिक संरचना, धरातल, प्राकृतिक स्थिति आदि चार स्पष्ट वृहद प्रदेशों में डिवाइड करते हैं। अर्थात ये लक्षण भारत को चार भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से चार भाग? हिमालय पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि प्रदेश और तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। और ये चारों ऐसे प्रदेश हैं जो आपस में मौलिक विभिन्नताएं रखते हैं। प्रत्येक वृहद प्रदेश जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जनसंख्या और बस्तियों के वितरण प्रारूप, सांस्कृतिक विशेषताओं और आर्थिक विकास व भावी संभावनाओं की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्नताएं रखते हैं। तो इन्हीं भिन्नताओं और लक्षणों को समझने हेतु हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ये चारों वृहद प्रदेश हिमालय, प्रायद्वीपीय, भारतीय तट और द्वीप समूह। तो इनका वर्णन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।